रही सारिम की बात तो अपनी मर्जी से माने क्या, मैंने उसे वहां भेजा। क्या क्यों मैं, आपने क्यों किया ऐसा? अब नाज़नीन के पास रामीन और सारिम बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मैं हमाद को फोन करता और उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि वो अपनी अना में किस कदर अंधा हो चुका है। पता नहीं क्यों जब से बच्चे इस घर में आए मुझे एक डर सा लगा रहता है। अम्मा की बात याद है ना, उन्होंने क्या कहा था, और फिर सच भी है, कैसे एक माँ का दिल दुखा के मैं खुद खुश रह पाऊंगी? अगर रिदा की बद्दुआ ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो थोड़ी सी की है लेकिन फिर भी फलक जीता है क्योंकि मामा।